नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और हर बार इस चैनल के अंदर हम बात करते हैं किडनी के बारे में। तो आज मैं आपको अपने किडनी के पेशेंट से मिलवाना चाहूँगा जिनका नाम है राजवीर सिंह। इनको जो दिक्कत थी किडनी की वो थी अपनी किडनी का जो साइज़ था वो छोटा होता जा रहा था, क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा था, यूरिया बढ़ता जा रहा था, भूख ख़त्म हो रही थी, थकावट हो रही थी। तो कैसे उन्होंने इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए, सारे सिम्टम्स को दूर करते हुए अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम किया, अपने यूरिया लेवल को कम किया, क्या लाइफस्टाइल रखी, क्या खाना खाया, क्या परहेज रखा और 3 महीने हो गए मेरे साथ ट्रीटमेंट लगा। तीन महीने में के अंदर इन्होंने क्या फील किया साइंस इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट के बारे में, ये सब हम जानेंगे राजवीर सिंह से। तो राजवीर सिंह जी, ये दिक्कत आपको कब शुरू हुई? ये सर जनवरी में शुरू हुई, जनवरी 2018 में। तो कैसे पता लगेगी आपको ये किडनी की दिक्कत हो रही है? मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर तो मुझको थी। कितना ब्लड प्रेशर रहता था? ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता था सर। कितना? ये तो नियर अबाउट नीचे वाला तो 102 भी पहुँच जाता था। अच्छा, हाँ हाँ। और ऊपर वाला कितना? ऊपर वाला 180 ऐसे पहुँचाता था। 180 और 102, यानी कि मतलब डॉक्टर साहब जो थे जो मुझे देख रहे थे इतने ब्लड प्रेशर में जाने के बाद वो घबरा गए, लेकिन मुझको एक्चुअली बॉडी से वो हो चुकी थी तो मुझको इतना वो नहीं पता नहीं लगता ऐसे था। मगर उसका शरीर के अंदर नुकसान चला था। और उसके बाद आपकी और दिक्कत क्या महसूस करते थे उस टाइम में? दिक्कत नहीं, फिर एकदम स्वेलिंग आई थी। स्वेलिंग पैर में आई थी? पैर में और यहाँ चेहरे पे आई थी। तो उसके बाद जब आपको पता लगा कि आपको किडनी की दिक्कत है तो आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था, रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने देखा कि अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब ने कराया। किडनी में क्या दिक्कत बताई थी? श्रिंकेज बताई थी, क्या बताया था? वो जो इसमें कोई गैप समथिंग जो भी है वो नसों में गया। राजवीर सिंह की जो किडनी का साइज था वो छोटा होता जा रहा था, वो श्रिंक कर रही थी, वो अपने नॉर्मल साइज से बदल गई थी। और इनको रीनल पैलेंकाइमा डिजीज जो कि अक्सर दिखी जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, वो दिक्कत शुरू हो गई। तो जब आप यहाँ आए तो किडनी आपकी क्या कंडीशन थी? उस टाइम तो मेरा लेवल 8.25 था। और बीपी और शुगर का क्या हाल था? वो भी उसी पोजीशन में थे, मतलब पुराने पोजीशन में। और शुगर कितनी रहती थी? शुगर जो शाम की थी वो नियर अबाउट 260 जो, और ये 260 के आसपास, 260 के पास, क्योंकि मैं इंसुलिन ले रहा था तो सुबह की तो कंट्रोल रहती थी। अच्छा, इंसुलिन कितने यूनिट ले रहे थे? 18 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद इनकी शुगर 260 थी, रैंडम मान लेते हैं इसको हम, तो इतने हाई लेवल। अब आपको 3 महीने के अंदर शुगर आपकी क्या स्टेटस है? शुगर तो बहुत ही कंट्रोल आ चुकी है डॉक्टर साहब। फिर भी मुझे थोड़ा सा बाकी सब ऑडियंस को बताओ कि क्या लेवल्स आ गए। मॉर्निंग का जो है जो मैं फास्टिंग कर लेता हूँ वो नियर अबाउट 78-90 नॉर्मल, 100 से नीचे रहती है। नॉर्मल हो गई, नॉर्मल, वो तो बहुत नॉर्मल हो गई है। और इसमें आप यूनिट कितने ले रहे हो इंसुलिन के? यूनिट जो आज की तारीख में ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ, 10 या 12। 18 यूनिट से 10 यूनिट पर आए हैं 3 महीने के अंदर। शुगर जो 260 रहती थी अब वो नॉर्मल वैल्यूज के रहती है, क्लोज टूवर्ड्स अब के कहते हैं कि कम की तरफ ज्यादा रहती है, इसलिए इनको हर महीने 2 से 4 यूनिट इंसुलिन घटाना पड़ता है कि वो जो लेवल्स हैं वो बने रहें, बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक ना हो। बीपी का क्या कंडीशन है? बीपी एक्चुअली जब से थोड़ी सर्दी शुरू हुई है ये हुआ, अदरवाइज बीपी मेरा इतना बढ़िया था डॉक्टर साहब के ये 70 और 120-130 यहाँ तक ही रहता था। अब जब से थोड़ी सर्दी शुरू हुई है ये तब से थोड़ा सा बढ़ा है। अच्छा, अदरवाइज बहुत कंट्रोल था। तो ना सिर्फ केएफआरटी ट्रीटमेंट ने इनकी शुगर लेवल को मेंटेन किया, इनकी बीपी को भी कंट्रोल किया, बहुत बढ़िया था। 69-121 आप लगा लिया अंदाजा। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप किडनी की दिक्कत को जीतना चाहते हो, किडनी फेलियर से मुक्त होना चाहते हो, तो हमेशा उसकी जड़ में, उसके कारण में जाके वर्क करो कि जिसने आपकी किडनी खराब की पहले तो उसको बाहर निकालो। तो अब राजवीर सिंह जी की कंडीशन के अंदर दिक्कत दोनों थी, डायबिटीज़ भी थी और इनको दिक्कत बीपी की भी थी, मगर जहाँ तक हमें लगा जो हमने ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट किया वो किया कि बीपी को दिक्कत ज़्यादा मेन लेकर कि बीपी की वजह से किडनी में श्रिंकेज दिखी जाती है। तो किडनी की श्रिंकेज की वजह से हमने इनका जो ट्रीटमेंट रखा वो बीपी माइंड में रखा कि पहले बीपी को मेंटेन करो, बीपी मेंटेन हो जाएगा तो कम से कम इतना हो जाएगा कि किडनी को आने वाले दिनों में बीपी से और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जब नुकसान होना बंद हो गया, आगे की जो दिक्कत है वो किडनी की जो खराब होने की जो स्पीड थी वो बंद हो गई, अब वहाँ से शुरुआत होती है ठीक होने की। अभी 3 महीने हुए हैं,
3 महीने के अंदर यूरिया पहले 3 महीने पहले क्या था? वो तो बहुत ज़्यादा 3 महीने पहले तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब, उसका देखोगे तो वो तो दो पता नहीं एक देख के बताओ कितना है। इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं आपके पास। यूरिया था 147। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो भूख होती है ख़त्म हो जाती है। ये जो कंडीशन के अंदर पेशेंट को नोजिया आना शुरू हो जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता, भूख ख़त्म हो जाती है और पेशेंट अपना रेगुलर वेट लॉस कर रहा होता है दो रीज़न से। एक तो यूरिन में प्रोटीन आ रहा होता है, उस वजह से शरीर में से प्रोटीन बाहर चला जाता है, और दूसरा कि जो आपकी भूख है वो ख़त्म हो जाने की वजह से आप खाने का इंटेक कम कर देते हो और लेवल्स आपके बिगड़ने शुरू होते हैं। ये 151 मैक्सिमम जो इनका गया हुआ है 151। अब क्या कंडीशन है 3 महीने के ट्रीटमेंट के? अब तो बहुत बढ़िया सर, भूख तो बहुत तेज़ लगती है। भूख तेज, यूरिया का लेवल क्या है? यूरिया का अभी मैं लास्ट आपने उसमें देखा है, अभी तो मोबाइल में है, आपने उसमें मोबाइल में देखा था जहाँ तक है मेरे 50-60 के पास। हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत कम। अब जो लेवल है इनका है 57। 57 नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल के बहुत पास है। जब आपके लेवल इतने डाउन हो जाते हैं तो आप ये समझिए ये डाउन क्यों हुए, किस वजह से हुए। यूरिया जो है वो लीवर बनाता है, लीवर बनाने के बाद उसको ब्लड में छोड़ देता है, किडनी उसको शरीर से बाहर करती है। ये एक नाइट्रोजनस फेस मटेरियल है जिसे बॉडी से बाहर चला जाना चाहिए। अगर ये शरीर में इकट्ठा होता रहता है तो ये अलग टाइप के दिक्कत पैदा करता है, जैसे भूख ना लगना, मुँह से स्मेल आना, फिश जैसी स्मेल आना। तो जब किडनी की फंक्शनिंग फास्ट हुई, किडनी ने जो खून को साफ करना ज़्यादा शुरू किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यूरिया जो पहले आपका 150 से प्लस था वो डाउन होते होते ही अब नॉर्मल के पास आ चुका है, भूख खुल चुकी है बॉडी में। अब आपको कहते हो बदलाव नजर आते हैं बॉडी में, मतलब मेरे को वैसे कोई दिक्कत ऐसी महसूस होती ही नहीं है डॉक्टर साहब, बिल्कुल नॉर्मल महसूस। अगर मैं हूँ तो अगर मैं मतलब पहली बार तो सोचता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को वैसे नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। बीमार तो हूँ, अगर मैं इसका कैटलाइन को देखता हूँ तो लगता बीमार हूँ, अदरवाइज बॉडी को ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, मेरे को बॉडी जो कोई पहले से कमजोर हो गया हूँ तो दूसरा कहेगा कमजोर, अदरवाइज किसी को पता नहीं कि मैं बीमार हूँ। चलिए, इवन घर वाले मुझे ऐसे महसूस नहीं, मतलब जो काम बताते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि बीमार है। तो अब हम चलो अब हम बात कर लेते हैं क्रिएटिनिन की, क्योंकि सबको क्रिएटिनिन से बहुत डर लगता है। बीपी के पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन का फॉल धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के केसेस के अंदर ये 1-2 महीने के अंदर नॉर्मल लेवल्स के अंदर आ जाता है, मगर जो भी पेशेंट बीपी का होता है जिनके अंदर किडनी फेलियर बीपी की वजह से हो रही होती है, उनके अंदर क्रिएटिनिन के लेवल बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ नहीं आते। यूरिया तेज़ी से नीचे आ गया बट क्रिएटिनिन के लेवल कंपैरेटिवली हाई बने हुए। तो राजवीर सिंह जी, आपका जो क्रिएटिनिन था वो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले क्या था? वो 9.5 था। 9.5, और 9.5 से अब कितना हो गया? अब 8 पे आ गया। 3 महीने के अंदर जो हमने क्रिएटिनिन का जो फॉल देखा वो ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 1.5 पॉइंट का है, मगर ये 1.5 पॉइंट बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन हुआ, यूरिया भी डाउन हुआ। बॉडी में जितने सिम्टम थे सारे डिसअपीयर हो गए, कोई थकावट नहीं, कोई कमजोरी नहीं, पोटेशियम नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। इन्होंने आज तक एक बार भी डायलिसिस नहीं करवाया, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं पड़ी। बॉडी में कहीं स्वेलिंग नहीं आ रही, बीपी मेंटेन हो गया, शुगर मेंटेन हो गया, यूरिया कंट्रोल हो गया। क्रिएटिनिन आने वाले 2-4 महीने में हम इनका पूरी तरह से कंट्रोल कर देंगे। तो राजवीर सिंह जी, आपने खाने पीने में क्या बदलाव किया? खाने में डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कंट्रोल। आप सबको बता दूँ, सारे पेशेंट देख रहे हैं, खाने में मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है बॉइल्ड सब्जियाँ, ओनली बॉइल्ड सब्जियाँ, वो मेरा ब्रेकफास्ट होता है। सुबह में उठ के शुगर चेक करके एप्पल खाता हूँ, खाली पेट जो खाता हूँ। उसके बाद घूमना, अपना रूटीन करना, सब कुछ ऐसे करके घूम घाम के आना, फिर ये बॉयल्ड सब्जी खाता हूँ, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। अच्छा, और फिर उसके बाद 12 बजे करीब मैं फिर एक एप्पल खाता हूँ। एप्पल ज़्यादा खा रहे हो आप? नहीं तो 2 एप्पल खाता हूँ डॉक्टर साहब। कंट्रोल कर दो उसको, या तो पेशेंट हम बात तो कर रहे थे। अच्छा, एक मैं खाता हूँ। अच्छा, दो फायदा हो गया, दो खाता हूँ वीडियो बनाने का, दो खाता हूँ, और बाकी दोपहर को लंच करता हूँ और शाम को डिनर। लंच में क्या लेते हो? लंच में वही सब्जी कोई भी जो आपने बताई है, जो आपके उसमें है, उन वही सब्जियाँ और रोटी, दैट्स ऑल, और शाम को बाकी एवरीथिंग सब कुछ बंद। तो राजवीर सिंह जी की एक गलती तो हमने पकड़ ली कि दिन में 2 बार एप्पल खा रहे हैं, जबकि खाने के लिए हमने दिए हुए हैं 1। तो कोई बात नहीं,
गलती हमने चाहे वीडियो से पकड़ी जैसे मुझे पकड़ी, बट वो पकड़ी गई। तो अगली बार से हम उम्मीद करते हैं राजेंद्र सिंह जी अपने एप्पल को 2 से 1 कर देंगे, एक कर देंगे। अच्छा ठीक है। और बाकी जो डाइट हम बताते हैं साइंस इंजीनियरिंग में, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। आपकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से, आपकी यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है, आपका बॉडी वेट कितना है, आपका वजन कितना है, आपके शरीर पे मसल्स है या नहीं है, वेस्टिंग तो नहीं हो रही, कमजोरी ज़्यादा तो नहीं हो रही, हीमोग्लोबिन क्या है, पोटेशियम क्या है, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखकर तब जाकर एक पेशेंट को सही तरीके से डाइट बताई जाती है, जिससे वो अपनी किडनी की कंडीशन को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सके, उसको मैनेज कर सके। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, आप 2 तरीके से अपनी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। एक, आप उसकी एक्सक्रीशन सही तरीके से करते रहो, यानी आपकी किडनी और आपका लीवर सही तरीके से काम करता रहे, आपकी बॉडी में किसी टाइप का भी टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा नहीं होता। दूसरा तरीका आप और कर सकते हो, जो हर एक ऐसे पेशेंट को करना चाहिए जहाँ पर ये लीवर और किडनी की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, वो है अपने खाने पीने में बदलाव। क्योंकि आपके अंदर कोई भी चीज़ जा रही है वो आपके खाने से जा रही होती है। आप अगर खाने पीने को आपको पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो उसको मैनेज कर कर अपने बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल कर पाते हो। तभी किडनी के पेशेंट के लिए जो डाइट होती है वो बहुत सोच समझ के बनाई जाती है। पेशेंट को अगर हम बोल रहे हैं कि आप प्रोटीन खाओ तो रीज़न से है, अगर कहते हैं कि प्रोटीन मत खाओ उसके पीछे भी एक रीज़न है, तो उस रीज़न को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी पेशेंट डॉक्टर का साथ दे पाता है, सही तरीके से फॉलो कर पाता है और बदलाव आ पाता है। तो राजेंद्र सिंह जी, तो अब 3 महीने के इलाज के बाद बाकी किडनी पेशेंट के लिए आपको संदेश? मैं तो संदेश ये दूंगा, क्योंकि जब 3 महीने के बाद लगातार आ रहा हूँ और मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो औरों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि डॉक्टर साहब से मिलो और यहाँ का फ़ायदा उठाओ, मैं तो यही कहूँगा। तो हम उम्मीद करते हैं राजवीर सिंह जी आने वाले 3-4 महीने के अंदर, जो उनका किडनी लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है उसको हम नॉर्मल लेते हुए, कंट्रोल में लाते हुए इनका बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। यूरिया इनका नॉर्मल हो चुका है ऑलरेडी, शुगर इनकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई, बीपी सारा कंट्रोल में हो गया। तो ये KFRT ट्रीटमेंट की मदद से उसकी सफलता का एक और प्रदर्शन आप सर कह सकते हो, ये एक हमारी सर्टिफिकेट कह सकते हो, ये कि हमारा आप अवार्ड कह सकते हो, कि ऐसी सफलताएं हमें मिलती रहती हैं और ऐसे हम रिकॉर्ड्स करते रहते हैं कि हर एक सफलता आप तक ला पाए। क्योंकि किडनी को लेके, किडनी की डायलिसिस को लेके लोग आपको जगह जगह भ्रमित कर देते हैं, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, उसमें पेशेंट ही फंसता है, उसको सही रास्ता नहीं मिल पाता जो उसके लिए सही है। कोई कहेगा डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहता है आप ट्रांसप्लांट करवा लो, ट्रांसप्लांट का जो रास्ता होता है वो हमेशा ओपन होता है, डायलिसिस का रास्ता हमेशा ओपन होता है, वो आप कभी भी जाकर करवा सकते हैं। मगर उससे पहले अगर हम आपकी खुद की डायलिसिस मशीन को ठीक कर सकते हैं, तो क्या दिक्कत है उसके अंदर, क्यों जरूरत पड़ेगी आपको बाहर की डायलिसिस की मशीन, जब आपकी खुद की किडनी काम कर सकती है, खुद की डायलिसिस मशीन काम कर सकती है। तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि डायलिसिस का ऑप्शन हमेशा ओपन है, डायलिसिस के साथ साथ ट्रांसप्लांट का ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है, आप किसी भी कंडीशन में जाकर करवा सकते हो। मगर किडनी की दिक्कत आपकी शुरुआती है, अभी शुरू हुई है, किडनी यूरिन बना रही है, यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, आपको यूरिन का आउटपुट ठीक ठाक आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डायलिसिस मशीन काम कर रही है, पूरे तरीके से काम नहीं कर रही, काम करना उसने छोड़ा नहीं है, कम किया है। तो उस कम काम को बढ़ाते हुए हम इतना सुधार देंगे कि आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजवीर सिंह जी का, इतना अच्छे तरीके से साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट को फॉलो करने का और वो रिजल्ट्स दिखाने का, पेशेंट दूसरे पेशेंट तक ले जाने का। धन्यवाद आपका राजवीर सिंह जी, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपकी जो कंडीशन है मुझे भी डॉक्टर साहब उम्मीद है, मैं इसलिए आ भी रहा हूँ। धन्यवाद। और बाकी मैं पेशेंट को बता दूँ, यूरिन का तो मैं ऐसा बताऊँ डॉक्टर साहब, जैसे एज ए नॉर्मल जैसा पहले था वो मैं फील करता हूँ, ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कभी आ रहा ही है, जैसे पानी पीता हूँ, जितना कुछ करूँ सब्जी जितना पानी आता है वो यूरिन आता है, ठीक, उसमें तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे मतलब कोई दिक्कत 1% भी नहीं है, कोई इतना करने के बाद भी वो दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं भी साइंस इंजीनियरिंग का धन्यवाद करता हूँ, मुझे रास्ता मिल गया। तो आप समझो आपके, लेकिन मैं जो मेरे को देख रहे हैं मैं उनको ये सलाह दूंगा, जो संजीवनी बताती है खाने के लिए स्पेशली, क्योंकि सबसे बड़ा है खाने का कंट्रोल करना, वो अगर आप कंट्रोल करोगे और दवाइयों को लोगे तो फिर आपको फ़ायदा हो गया, अगर खाने का कंट्रोल नहीं करो तो दवाई का कोई नहीं, फिर कोई फायदा नहीं, फिर ये मैं भी कहता हूँ। खाने मैंने जो मैं खाना खाता था वो जो यहाँ आके मुझे पता चला कि मैं जैसे दही ज़्यादा खा रहा था, दूध पी रहा था, वो बंद किए
और आज की तारीख में वही खाने दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने उसे ही पकड़ लिया, ज्यादा पकड़ रहा हूँ मैं, इसको आज से ही कंट्रोल कर लूँगा। चलिए ये भी है एक चीज़ है। ठीक है, अब हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपसे चलने की आगे।